अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक AI टूल लेकर आया हूं जिसमें आप लोग ये टूल इस्तेमाल करके किसी भी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में वॉइस चेंज कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी किस्म के कार्टून या रिपोर्ट में वॉइस चेंज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप रियल टाइम वॉइस चेंज कर सकते हैं। इससे मुराद आप किसी भी कॉल पर हो या गेम खेल रहे हो, अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। या फिर आप किसी मीटिंग में, तो इन सब में आप अपनी रियल वॉइस में बात कर रहे होंगे और सुनने वाले को वॉइस चेंज में सुनाई देगी। इसमें आप सोशल मीडिया पर लाइव के दौरान अपनी आवाज को चेंज भी कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ सिंपल क्रोम पर। क्रोम पर मैं आप hitpod.com जस्ट सर्च करेंगे और ये वेबसाइट शो हो जाएगी। ये AI बेस है और आप लोगों ने जस्ट इधर सर्च कर, और ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग ये नीचे देख सकते हैं, इधर काफी वॉइस चेंजर शो किया हुआ है। हम जस्ट इसमें सिंपल ट्राइड फ्री पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एप्पल का लैपटॉप हो या पीसी हो तो आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज भी कर सकते हैं। मैं इसे ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद यस कर देता हूं और हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। हमारा ये छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने करने के बाद आप इधर रियल टाइम वॉइस पे क्लिक करके हेयर माइसेल्फ पे क्लिक कर सकते हो, जिसमें आप लोग अपनी आवाज को खुद भी सुन सकते हो। और वॉइस चेंजर पे क्लिक ऑन करेंगे ताकि हमारी वॉइस हो जाए तो, और नॉइस डिटेक्शन से आपकी आवाज में जो भी बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है वो, और ये सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाया है और इसे सिंपली हम यूज कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम आप खुद इसमें अप डाउन कर सकते हो, आवाज को ब्रीक मोटा से अप डाउन करके भी यूज कर सकते हो अपने मुताबिक। हम ऑल पे क्लिक किया और इधर फेवरेट पे क्लिक करेंगे। फेवरेट में जो हमारे से हमने जिसे सिलेक्ट किया होगा वो ये फ्री में है और ये क्रिसमस में मैच हो रहे हैं। और हमें यहाँ पे इसे कोई भी कीवर्ड देकर शॉर्ट में कोई भी कीवर्ड ऐड करके हम इसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में मीटिंग के दौरान। और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो इस यहाँ पर हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इधर हमने अपना इम्पोर्ट माइक वगैरह सेट कर लेना और आउटपुट हम लोगों ने स्पीकर या हेडफोन वगैरह सेट कर लेने हैं। तो ये दो चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी वॉइस को चेक कर लेना है और नॉइस डिटेक्शन को ऑन ही रखना है ताकि आप बैकग्राउंड वॉइस ना जा सके। रियल टाइम में हम लोग इधर नीचे आ सकते हैं और हमारी ये काफी सारी वॉइस चेंजिंग के ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। हम किसी भी किस्म के होम में क्रिसमस में हम वॉइस चेंज कर सकते हैं और कार्टून वगैरह में नाइम वगैरह बना सकते हैं और वाइब वगैरह में हम लोग अपने रिपोर्ट टाइप कोई भी वीडियो डबल वॉइस में चेंज कर सकते हैं। और इधर साउंड बोर्ड में जो हमें क्रिसमस के रिलेटेड हमें म्यूजिक मिलेंगे। और हम फाइल बेस में, और यहाँ पे हम लोग फाइल बेस में जस्ट सिंपली क्लिक करके और अपने वॉइस को रिकॉर्ड जो कि उसे चेंज कर सकते हैं। और AI म्यूजिक है ये, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट देखकर अपना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। रियल टाइम वॉइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना कोई भी वॉइस चेंज कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम के दौरान, व्हाट्सएप के कॉलिंग के दौरान, या किसी भी हम गेम खेल रहे हैं लाइव तो हमारा हम अपनी वॉइस को चेंज करना हो तो हम जस्ट कोई भी इधर की ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी आप चीज की ऐड कर देंगे और आप स्ट्रीमिंग के दौरान उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो में वॉइस चेंज हो जाएगी और फिर उसे कीवर्ड को प्रेस करेंगे तो आपकी रियल वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके बाद आता है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड में हम लोग कोई भी म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं, किसी किस्म का भी म्यूजिक हो, ये कॉइंस वगैरह हो, अलार्म क्लॉक हो, हम कोई मूवी के रिलेटेड कर रहे हैं। वीडियो को फंटास्टिक बनाने के लिए ये टूल्स वगैरह यूज होते हैं। हम यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ये टाइगर वाले साउंड को भी दोबारा सुन लेते हैं। आप कोई नाइम वगैरह बना रहे हैं,
पुरानी सीन चल रहा हो तो ये चीज आ रही होती है, और इसी तरह ही हम यहाँ पर भी वाव को चेक कर लेते हैं। और जो बिल्कुल फ्री हैं उनके ऊपर तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, और जो पेड है उन पे हमें ये ताज शो हो रहा है जिसमें हमें प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कोई भी से क्रिसमस में जंगल कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इधर क्लिकिंग पर क्लिक किया तो मेरी अब म्यूजिक चेंज हो गया है, तो इधर रिंग की आवाज़ सुनते हैं। इस तरह आप यहाँ पर अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं साउंड इफेक्ट ऐड करके। तो ये फाइल बेस में हम अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं रियल टाइम में, हम किसी भी मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज इजीली कर सकते हैं। करेक्टर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह में हम मूवी वगैरह में अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं इधर कोई भी ऑडियो को अपनी को डाउनलोड ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उनकी वॉइस चाहिए जो कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करता हूँ, और मेरी ये वॉइस मैं इधर से फॉर एग्जाम्पल इतने ऐड शो करता हूँ और इसे कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पे Voice with क्लिक Hippie करने AI देता हूँ, voice इसको changer क्लिक in करने one के click. बाद मैं इधर चेंज वॉइस पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसके बाद इमेज वेरिएशन है, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज के रिलेटेड और इमेज भी बना सकते हैं। मैं सिंपली इधर कोई भी इमेज अपलोड कर लेता हूँ। मैंने ये सिंपल इमेज अपलोड की है और इसे हम अपनी तो इस तरह हम लोग अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के थ्रू, और हम इनसे बाय करके हम अपने नाम वगैरह वीडियो में किसी भी कैरेक्टर को ऐड करके अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट AI म्यूजिक, ये एक लेटेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर यूज किया जाता है जिसे हम टेक्स्ट टू सॉन्ग, तो मैं इसे टेक्स्ट टू सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ। स्टेप वन आई नो, स्टेप टू में हम टाइमर लगा सकते हैं, स्टेप थ्री में हम आप कोई भी अपना म्यूजिक थीम चेंज कर सकते हैं, और स्टेप फोर पे हम ये हमें साथ साथ गाइड भी करता है। तो हम फॉर एग्जाम्पल इधर हिप हॉप उस म्यूजिक लिख देते हैं, और मैं इधर जस्ट 15 सेकंड का शो कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट के रिलेटेड बनाना चाह रहा हूँ, सिंपल जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप लोगों ने म्यूजिक भी सुन लिया होगा जो कि अच्छा, और हमें हिप हॉप म्यूजिक में फास्ट म्यूजिक ही होता है तकरीबन मोस्टली, तो इसमें हम जस्ट और इधर म्यूजिक है रिलैक्सिंग रिलैक्स म्यूजिक कर लेते हैं। म्यूजिक पे क्लिक करके मैं फिर इसे जनरेट करता हूँ, हमें एक्यूरेट 15 सेकंड का म्यूजिक जनरेट करके देगा। आप इसी तरह यहाँ से अपना म्यूजिक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं इजीली। तो इस अब बारी आती है इसके प्रो वर्जन की, तो हम अगर प्रो वर्जन खरीदना चाहें तो हमें ये चंद चीजें मिलेंगी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर हम 0.53 पर डे का हमें पड़ेगा है। तो हमें ये 15.95 मतलब कि ये हमें $60 का पर मंथली पड़ेगा, और हम अगर इसे ईयरली बाय करेंगे तो हमें ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा जो कि हमें जस्ट $36 का पड़ेगा। अगर हम इसे एक दफा ही बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ये 30% ऑफ दे रहा है, और हम इसे ऊपर करके देख सकते हैं कि हमें ये $65 का एक दफा हमने जस्ट बाय करना है $66 का मीन्स, तो हमें ये लाइफ टाइम फ्री हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो आज यहाँ पर ही खत्म होती है, और नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब टू माई चैनल।